जैविक खेती कृषि की कोई नई पद्धति नहीं है। अनादिकाल से भारतीय किसान प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग कर कृषि कार्य करते रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पादन की चुनौतियां और हरित क्रांति के कारण कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से धीरे धीरे मृदा की उत्पादकता में कमी आती गई, भूगर्भ जल का स्तर घटता गया, पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। इन दुष्परिणामों से बचाव के लिए कृषि विज्ञान की दुनिया एक समग्र उत्पादन प्रबंधन प्रणाली के रूप में जैविक खेती की ओर अग्रसर होने लगी। मूल रूप से जैविक खेती कृषि की वह विधि है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों, संश्लेषित कीटनाशियों और कृत्रिम वृद्धि नियामकों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। साथ ही इनमें ट्रांसजेनिक यानी परजीनी फसलों अथवा उनकी किस्मों का प्रयोग भी वर्जित होता है। जैविक कृषि में फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट इत्यादि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। जैविक खेती में फसल उत्पादकता को लेकर यह चिंता है कि परंपरागत खेती की तुलना में जैविक खेती से उत्पादन में लगभग 10-35% तक की गिरावट आती है, विशेषकर आरंभ के 2-3 रूपांतरण वर्षों में। लेकिन दीर्घकाल में यह अंतर कम तो होता ही है, कई मायने में काफी लाभदायक होता है। जैविक खेती अपनाने से मृदा में जैव पदार्थ बढ़ता है, जिससे फसलों की सूखा सहने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह सिद्ध हो चुका है कि परंपरागत खेती से प्राप्त उत्पादों की तुलना में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होती है।